हेलो हाय दोस्तों, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करोगे आप। वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आप इस वीडियो में जानोगे कैसे आप नया चैनल एक क्रिएट कर सकते हो, कैसे आपको नया चैनल बनाना चाहिए, किस तरीके से आप लोग नया चैनल बना सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जब वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको नॉलेज होगा किस तरीके से आप लोग को नया चैनल आपको क्रिएट करना चाहिए, किस तरीके से आपको नए चैनल की सेटिंग करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो गाइस आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और ताकि आपको यूट्यूब रजिस्टर्स नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए कैसे आपको काम करना है अगर आप एक नए यूट्यूबर बनना चाहते हो। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि अपने YouTube में आ जाना है। YouTube एप्लीकेशन में, जब आप YouTube एप्लीकेशन में आ जाओगे, इसके बाद आपको करना क्या है, आप जब YouTube एप्लीकेशन में आ जाओगे तो YouTube एप्लीकेशन से आने के बाद आपको देखो यहाँ से आपको नया चैनल बनाने का ऑप्शन मिलता है। कहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपको देखो नीचे ये आपका आइकन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक किए, अब आपको यहाँ से आपको क्लिक करना होता है। जब यहाँ से आप लोग क्लिक करोगे, इसके बाद आपको क्या है कि ऑप्शन चैनल बनाने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो जब यहाँ से आप देखो, जैसे आपको क्लिक किए यहाँ से, तो आपका जितना ईमेल होगा सब ईमेल आपका आ जाएगा। तो जिस ईमेल से आप लोग चैनल बनाना चाहते हो उस ईमेल के आप लोग सिलेक्ट करोगे उस ईमेल को। तो जब उस ईमेल को सिलेक्ट करोगे तो आपको चैनल बनाने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो जब आपके पास चैनल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको करना क्या है कि आपका चैनल कैसे क्रिएट करें, कैसे आपको चैनल की सेटिंग करना है। तो जब सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर डन मारना है। डन मारने के बाद आपको यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ये देखो नाम लिखा है ना, यहाँ पे आपको नाम अपने चैनल का नाम लिखना होता है। तो अपने चैनल का कैसे नाम लिखोगे, अपने चैनल का आपको किसी का मिलता जुलता हुआ नाम नहीं रखना है, अपना एक चैनल सोच के सर्च करो पहले यूट्यूब में कौन सा नाम, इस नाम से यूट्यूब चैनल नहीं है तो आपको वही नाम रखना, ताकि आपका चैनल आपका सर्च में आए। अगर मिलता जुलता अगर आप लोग नाम रख दोगे चैनल का, तो सबसे ऊपर उसी का आपका चैनल शो करेगा, आपका चैनल नहीं आएगा। तो आपको कभी ये गलती नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से एक अपना यूनिक नाम आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप लोग नाम सिलेक्ट कर लोगे तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको डन करना है, सेव करना है। तो आपका यहाँ से सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको आना है। यहाँ पे आइकन पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या है, आपको हैंडल बनाने का ऑप्शन मिलेगा। हैंडल दोस्तों, ये हैंडल भी आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक यूट्यूबर सही से यूट्यूबर आपको अगर चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से हैंडल चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जब हैंडल आप लोग अपने हिसाब से लिख लोगे तो आपको यहाँ से आपको फिर सेव करना है। जब यहाँ से आप लोग सेव कर दोगे, यहाँ से जब आप सेव कर दोगे, इसके बाद आपको सीधा आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे। ये जो पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है ना, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा, आपको किस बारे में आप चैनल बना रहे हो, किस क्रिएटर से आप लोग वीडियो अपलोड करोगे, तो आपको इस बारे में आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे पूरा बाई डाटा देना होगा अपने चैनल का, किस क्रिएटर से आप वीडियो अपलोड करोगे, कैसा आपका चैनल है, किस कैटेगरी का आपका चैनल है। तो आपको इस यहाँ पे आपको पूरा आपको बाई डाटा देने के बाद आपको क्या करना है, आप इस वाले ऑप्शन पे आप लोग सेव कर दो। जब सेव करोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। तो जब सेव हो जाएगा आपका, अब यहाँ से हम बैग आ जाते हैं। और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अपना एक लोगो लगाना है। कैमरे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक इमेज फ़ोटो लगाने का आपका आ जाएगा ऑप्शन। आप लोग फ़ोटो लगा सकते हो, जब आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से आप लोग अपना इमेज लगा सकते हो। यहाँ से इमेज लगाने के बाद अब आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको अपना चैनल का बैनर लगाना है। इस वाले ऑप्शन पे आपको बैनर लगाना है, यहाँ पे आपको बैनर लगाना है, बैकग्राउंड पे आपको बैनर लगाना है। तो ये जो कैमरा दिख रहा है, ये कैमरे पे आप लोग क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड बैनर लगाने का आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग वहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हो, अपना बैनर लगा सकते हो। तो यहाँ से आपका बैनर लगाना है। जब आप लोग यहाँ से अपना बैनर लगा लोगे तब आपका चैनल क्रिएट हो गया, आपका चैनल वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हो गया। और बाकी सेटिंग के लिए आपको youtubestudio.com में जाना पड़ेगा। आपको youtubestudio.com में जब आप आओगे तो वहाँ से आपको सेटिंग करना होता है। तो आपको कैसा सेटिंग करना है वहाँ पे, तो आपको चलो बताते हैं वहाँ पे आपको कैसे सेटिंग करना है। youtubestudio.com में तो आप जैसे यहाँ से आ गए, और आपको यहाँ पे क्या करना है, अब जो चैनल आपका है वो चैनल आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको सीधा यहाँ से कट कर देना है, बीच वाले ऑप्शन से फिर आ जाना है अपना गूगल पे। जब गूगल पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना है youtubestudio.com। ये देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन यही है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यही देखो है google.com, यही वाला ऑप्शन है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ऐसा इंटरफेस आएगा। जब ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको किस पे क्लिक करना है, ये फर्स्ट वाले पे नहीं करना है, इस पे भी नहीं करना है, तो आपको किस पे करना है, तो आपको हमें जैसे यहाँ पे करना है ये वाला ऑप्शन पे, ठीक है। ये अरबी में लिखा हुआ आ रहा है तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना, बस आपको क्लिक करना है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है youtubestudio.com, ये देखो ऊपर इसका ये लिंक है, ये वाला, ये जो लाल से मार रहे हैं ना आपको निशान, इस वाला आपको ये ध्यान देना, ये अरबी वाला ध्यान नहीं देना है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको सीधा ये youtubestudio.com में आपको लेके चला जाएगा, आपके youtubestudio में लेके चला जाएगा। जब youtubestudio में लेके चला जाएगा तो आपको वहाँ से एडवांस सेटिंग करना होता है। जैसा कि मेरा ये चैनल है तो इस चैनल पे हमने जो जो सेटिंग किया है वो आपको बताएंगे अपने रियल वाले चैनल से। जैसे आपका देखो, जैसे ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ये तुरंत इनेबल हो जाएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन आपको क्या करना होता है, मोबाइल से फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना होता है। फ़ोन नंबर से जब आप वेरीफाई करोगे तो आप लोग थंबनेल लगा सकते हो और ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग अपलोड कर सकते हो, जैसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप लोग अपलोड कर सकते हो। और थर्ड वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्या करना है, अपना वीडियो से आपको वेरीफिकेशन देना होता है, वीडियो से अपने आईडी से, कोई भी आईडी आपका, जैसे पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग यहाँ से पैन कार्ड लगा के आपका वेरीफाई करना होता है। जब यहाँ से आप लोग वेरीफाई कर लोगे तो यहाँ से आपको अपना कंट्री चूज करने होता है, जिस कंट्री को हो, जैसे हम इंडिया के हैं तो हमारा देखो इंडिया सिलेक्ट है, तो आपको भी इंडिया ऐसे सिलेक्ट करना है। तो आप जब यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लोगे तो आपको इसी वाले ऑप्शन में देखो कीवर्ड लगाने का ऑप्शन आता है, आपका जिस रिलेटर से है आपको उस रिलेटर से आप लोग कीवर्ड लगा सकते हो। कीवर्ड लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको सेव करना होता है। जब सेव करोगे तभी आपका ऐप सेफ होगा। तो यहाँ से आप लोग सेव कर लिए, एक के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए। अभी थोड़ा बैग हो गया, अभी आपको दिखाएंगे। तो आपको क्या है, जैसे आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते रहो ताकि आपको नॉलेज पूरी पूरे तरीके से आपको नॉलेज होती रहे। क्योंकि आपको अगर चैनल सही से सेटिंग करना है, अगर यूट्यूबर वायरल वीडियो करना चाहते हो तो आपको सेटिंग करना मालूम बहुत ज़रूरी होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज हो किस रिलेटर से आपको चैनल बनाना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आप जैसे इस वाले ऑप्शन पे आ गए, तो आप जब इस वाले ऑप्शन पे आ गए आपको यहाँ पे यूट्यूब क्या सजेस्ट कर रहा है, आपको क्या सजेस्ट कर रहा है मालूम है, आपको यूट्यूब यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है, आपको सजेस्ट ये यूट्यूब कर रहा है यहाँ पे कि आप जब यहाँ पे आओगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब यहाँ पे आपको